हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जो भी अपना ग्राम पंचायत सरपंच सचिव या फिर ग्राम प्रधान के लिए यूज होने वाला है वो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर यूज होगा और डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत ये बोला गया है, जिसके माध्यम से ये बोला गया है कि जो भी अब ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे और डिजिटली डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे यूज होगा। तो काफी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बोला गया है कि डिजिटल सिग्नेचर का यूज मैंडेटरी है, यानी कि आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंट को ई साइन करना है तो वो डिजिटली साइन करना होगा और कोई भी फॉर्म वगैरह सबमिट करना है तो वो डिजिटली ही सबमिट होगा, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके अलावा अगर कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना है तो वो भी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होगा और अगर कोई मनरेगा से रिलेटेड काम है तो वो भी वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ई टेंडरिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे अब पंचायत लेवल पे वो डिजिटली ही होंगे, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे यूज होगा। अगर कोई भी टेंडर आपको सबमिट करना है तो वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब हो गया है। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर बनेगा कैसे। ठीक है, काफ़ी ऐसे मुखिया सरपंच या फिर ग्राम प्रधान लोग हैं जिनके पास ये थोड़ा इंफॉर्मेशन या फिर बोल दे सोर्स का कमी होता है, जिनके माध्यम से जिसके वजह से क्या होता है कि उन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बनाना है डिजिटल सिग्नेचर आप तो फिर अब ये इजिली बन जाएगा, विद इन 1 आवर आपका डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट क्या, कौन सा डिजिटल सिग्नेचर आप बनाएं और वो आपका यूज में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, अब क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा आपको और वो आपको यूज में आएगा, यानी कि क्लास 2 अब एबॉलिश हो चुका है, टोटली क्लास 3 बनेगा और वो आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। साथ ही अगर अपने बात करें कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली पैन, आधार, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फोटो, बस इन्हीं सब चीज़ों का डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हो जाता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत लेवल में जो भी वहाँ पे मेंबर्स होते हैं लाइक ग्राम सचिव, ग्राम सरपंच, ग्राम प्रधान या फिर आप मुखिया भी दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो इन सब के लिए डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट हो गया है आज के डेट में। तो अगर आप लोगों को ये डिजिटल सिग्नेचर बनाने में या फिर उससे रिलेटेड कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत हो या आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाह रहे हैं लेकिन आप बनवा नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, इधर से कॉल जाएगा। और फिर क्या है कि आप इंडिया में कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी कोने में बैठे हो, आपका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे रेडी हो जाएगा और बाय कुरियर आपके घर तक पहुँच जाएगा, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी करने का अब नीड नहीं है, यानी कि आप डिजिटल सिग्नेचर घर बैठे ही बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपका जो भी है डिजिटल सिग्नेचर हम लोग यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो डिजिटल आपका रेडी हो जाएगा नेक्स्ट डे ही आपका कुरियर लग जाएगा और वो 4 to 5 working days आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि पेमेंट में थोड़ा सा रिस्क है तो आप मुझे पेमेंट मत कीजिए, लेकिन जब आपका डिजिटल सिग्नेचर रिसीव हो जाता है उस समय आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारी तरफ से है। और रह गया डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद अगर आपका बाद में भी दिक्कत आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है एक ये जो डिजिटल सिग्नेचर का जो भी किसी भी तरह का अगर क्वेरी निकल करके आ रहा है, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये जो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और फिर हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये था, अब अपने बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर कौन सा। तो मैंने आपको बता ही दिया क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर
बनाने से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू फेस कर रहे हैं तो आप बेहिचक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो ये सारे आपको पता है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजेस हो जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।